किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने समन्वय भवन में आयोजित एक सादे समारोह में विभाग के मृतक कर्मचारियों के 60 परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, यह दिन प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि विभाग में कार्यरत रहते हुए सामान्य मृत्यु और कोरोना से काल कलवित हुए कर्मचारियों के परिजनों को नियुक्ति प्रदान की गई है। मंडी बोर्ड के 53 कर्मचारी और बीज निगम के 7 कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। इनमें से 16 कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड में 37 को सहायक ग्रेड 3 के पद पर और 16 को भृत्य चौकीदार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा जुलाई माह में पहले भी मंडी बोर्ड 36 और कृषि विभाग में 13 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। कमल पटेल ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार विशेष अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान की जा रही है, जिससे कि मृतक कर्मचारियों के परिजन को संबल प्रदान किया जा सके। इस मौके पर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास भी मौजूद रहे। एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया कि अपने अपने विभागों में सब उनकी नियुक्तियाँ करें, चाहे वो नियमित हो, चाहे वो संविदा पे हो, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे वो आउटसोर्स में भी हो, तो भी उनको नियुक्ति दी जाए उनके आश्रितों को। और सामान्य मृत्यु होने का तो पहले से नियम था मेरे पास, कृषि विभाग में, तो इसलिए हमने कृषि विभाग में मंडी और बीज निगम, मंडी में हमने दूसरी बार नियुक्ति दी है। पहले हमने 36 नियुक्तियां दी, उसके बाद कृषि विभाग में 13, आज 60 नियुक्ति हमने मंडी में 53 और बीज निगम में 7। इस प्रकार 119 जो दिवंगत हो गए हैं हमारे कर्मचारी, उनके परिजनों को, आश्रितों को हमने नियुक्ति देकर एक पुण्य कार्य किया और अपने आप को संतोष हो रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।